हाँ चल गई, यहाँ खड़ी सर। क्या कर रहे हो? ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ये रहा सर सिंगल। माइक ऑन कर दीजिए। Be careful what you say now. The mics are on. Sir. Okay. Sir, एक आपका सिंगल पिक्चर जरूर जरूर आपका। एक आपका सिंगल पिक्चर एकदम सामने नसीर सर। एकदम सामने। सर राइट में, राइट में। राइट में। सर यहाँ पे, यहाँ पे। सही है सर। एक छोर यहाँ फोटो बॉम्बिंग, फोटो बॉम्बिंग, फोटो बॉम्बिंग। सर स्ट्रेट। सर राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में। सर राइट में। लेफ्ट में जा रहा हूँ। बीच में अभी राइट। थैंक यू। ये क्या है? जस्ट जस्ट से बाइट व्हाटएवर। एक्सक्यूज मी मैम, अरे आई डिडंट मीन टू दैट। वो मेरे मैम का फोटो लेने दो यार। ये वाला देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं जब भी फैसला करता हूँ कोई फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी, तो उसकी टाइटल से मुझे क्या पता चलता है उस फिल्म के बारे में, उस पर मैं डिसाइड करता हूँ। और अगर उस टाइटल से मुझे कुछ भी पता ना चले कि ये फिल्म क्या होने वाली है, तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ती है, मेरी उत्सुकता और बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से ये टाइटल ऐसा है कि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को जगाएगा कि ये है क्या, चार्ली कौन है। एक्चुअली चार्ली कोई इंसान नहीं है, वो दूसरा ही एक रिलेशन है उसका। तो मेरे ख्याल से ये कामयाब टाइटल कहा जा सकता है। इट्स अ, जी हाँ, इट्स अ हु डन इट, और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को दिखाया गया, जो कि काफ़ी एक अनयूजुअल चीज़ है हिंदी फिल्मों में। कभी भी नहीं दिखाते हिंदी फिल्मों में कि प्यार कैसे होता है, बस एक दिन हो जाता है हमेशा। और इसी तरह थ्रिलर्स भी जो बनाए जाते हैं, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसके बारे में कभी ध्यान नहीं दी जाती, वो बस सॉल्व हो जाता है यूं ही। इसमें खास बात यह है इस फिल्म में कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को काफ़ी जो फिल्म का जो असली हिस्सा है वो उसके बारे में। रियलिस्टिक, देखिए रियलिस्टिक जो ये बड़ा खतरनाक टर्म है रियलिस्टिक, क्योंकि वेडनेसडे फिल्म को भी लोग रियलिस्टिक ही कहते हैं, हालांकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं थी। जो सिचुएशन पेश किया गया था वेडनेसडे में, वो एक बहुत ही फैंटास्टिकल सिचुएशन था जो कभी हो नहीं सकता। तो इसी तरह से ये भी एक इमेजिनरी सिनेरियो है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ट्रीटमेंट इसका जरूर एक एजी किस्म का थ्रिलर वाला ट्रीटमेंट है। I haven't seen तलवार, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं देख नहीं पाया हूँ। लेकिन वो एक बहुत ही अलग फिल्म है, क्योंकि उसमें तीन या चार अलग अलग नज़रिए पेश किए गए हैं। यह आसान मैंने सुना है कि राशोमन जैसी फिल्म है कि एक आदमी ये कहता है, दूसरा ये कहता है, तीसरा ये कहता है। चार्ली में ऐसा नहीं है, चार्ली की कहानी बहुत ही सीधी है। ये और बात है कि अजीब भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताई। और मेरे ख्याल से आप इन खूबसूरत लड़कियों से भी आप कुछ सवाल पूछ लें, क्योंकि नहीं मैं किसने कुंदन शाह ने, हाँ नहीं मैं अपने सम्मान वापस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो इतनी अहमियत नहीं रखते। अगर ना मानता तो मैं यहाँ आज क्यों मौजूद हूँ। नहीं, उनका सवाल पूरा होने दीजिए ना।
देखिए नहीं नहीं देखिए एक कदर करने की बात होती है कि जितने लोगों ने इस फिल्म पे मेहनत की है उनकी मेहनत की मैं कदर करूं। हालांकि मेरा सिर्फ 3 दिन का काम था इस फिल्म में, लेकिन मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व था, क्योंकि जितने लोग हैं इस फिल्म में इन्वॉल्व उन सबको मैं चाहता हूं, उनको मैं जानता हूं, किसी हद तक कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, और मेरे दिल को बहुत छुआ इस बात कि इतने कम पैसे में इतने मुश्किल हालात में ये लोग एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इनका साथ मैंने दिया। अब जहाँ तक आपके सवाल का प्रश्न का सवाल है, प्रमोशन से मुझे नहीं लगता कोई फिल्म कामयाब बन सकती है। एक कामयाब फिल्म को और ज़्यादा कामयाब बनाया जा सकता है प्रमोशन के जरिए, लेकिन कोई भी फिल्म अगर चलती है तो अपनी मेरिट पे चलती है, और मैं यही बात मानता हूँ। तो हो सकता है चाली के चक्कर में भी यही बात साबित होगी या नहीं होगी। ये मुझे नहीं मालूम, इतना मुझे ज़रूर मालूम है कि बहुत सारे लोग अपने सम्मान वापस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बड़ी मेहनत से वो कमाए गए हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मेरे लिए ये सम्मान कोई मायने नहीं रखते, और इसीलिए इन्हें वापस करना भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। देखिए ये ना मौका है ना सही वक्त है इस बार इस तरह की बातें करने का। आखिरी सवाल, हाँ जी, टेलीविजन पर भी उतनी ही फैंटास्टिकल और झूठी चीज़ें दिखाई जाती हैं जितनी हिंदी फिल्मों में। टेलीविजन कहीं मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में जिम्मेदारी अभी तक उन्होंने अपनाई नहीं है, ना खबरों को रिपोर्ट करने में, ना टेलीविजन प्रोग्राम्स बनाने में, और ना किसी भी चीज़ में। मेरे ख्याल से उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि न्यूज़ रिपोर्टेज जो है वो सच्ची हो, उसको ट्विस्ट ना किया जाए जैसा कि अक्सर होता है, और जो टेलीविजन सीरियल्स हैं वो किसी तरह प्रोग्रेसिव बने। ये सास बहू के किस्से हम कब तक सुनते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। I'm very excited to be honest. It's a film that was made with a lot more love and lot less money. The fact that it's releasing in 700 screens across India is a huge thing for this film. It's a film which has Nasruddin Shah himself, and it has a lot of very talented actors, which you will hope, and I hope that you love them all. So very excited. A little bit about my character in this film. The character of this guy called Deepak, who's a struggling actor, comes to Bombay to make his dreams possible. His desperations are the ones that get him involved in Charlie ke Chakkar mein. Nazir sir and I have done 3 films with this film. I'm his student as well. We do a lot of plays together. I've acted in his plays. My life could be defined by 2 events in my life: the acting that I did before meeting Nasruddin Shah, and that life that I've been acting since. And it's been such a learning experience. Every time I meet him, every time I interact with him, I just keep learning. So he's a wonderful human being and a great acting coach. What are you expecting from the film? I'm expecting 100 crores at least, if not 150. More importantly, I'm expecting that everybody who catches this film loves it, likes it. It's a film with a very complex thriller structure, and I think it takes a man like Manish Srivastava, who's a genius, to get this all together. I hope you see this film and you like it, because it's one of the most beautifully written screenplays I've ever read. So hopefully you'll see the film and love it. Thank you so much. Thank you.